मैं निशाद अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ खैर मकदम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी एस ऑनलाइन पर एक बार आप तमाम हजरात ये बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो आप तक आपको क्लियर मिल रही है जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग चलिए सयदा शबाहत फरीदी अतीक अंसारी नाजिया खातून शमीम बाबू खुर्शीद आलम चलिए और जैनब रहमानी उशरा परवीन रुखसार आलम चलिए सभी लोग बताएं एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आज का ये वीडियो उर्दू ग्रामर के लिए है और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है जरबुल अमसाल और फिर मुहावरा का बयान ये क्लास आपको उर्दू की जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि टी त्रिपल एस बी टी इसी तरह पी टी जी और इसी तरह साथियों मानू बी एड सी जी एल ए लेक्चरर इतने भी सारे एग्ज़ाम हैं उर्दू के उसमें आपको ये काम आने वाले हैं के है और इसी तरह यू पी टैट है टीट है एम पी टैट है बिहार बोर्ड मैट्रिक है इंटर है सभी में ये क्लास आपको काम आएगा ठीक है ना जी तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं बाद में थोड़ा सा हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे तो हमने पढ़ा है जमीर का बयान इसी तरह अफ़ाल का बयान माजी का बयान इसमें नकरा का बयान इसमें मारफा का बयान ये सब जो हमने पढ़ा है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग जानकारी देंगे वो लास्ट में सबसे पहले चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ और जो टॉपिक है वो जानेंगे कि ज़रबुल अमसाल कहते किसी हैं सी ये जो तो अमसाल है साथियों अमसाल ये जमा है किस मिसल की जिसे हम लोग बोलते हैं मसल क्या जरबुल फसल किसी कहानी का मफहम अल्फाज में समेट लेने का नाम कहावत है क्या कहा जा रहा है कोई लंबी चौड़ी कहानी है और उसको आप थोड़े से अल्फाज में अगर समेट देते हैं तो उसको बोला जाता है कहावत इसे अरबी में मसल कहते हैं क्या कहते हैं मसल कहते हैं वो जुमला तो मिसाल के तौर पर बयान किया जाए जरबुल मसल कहलाता है कोई लंबी चौड़ी कहानी है और उसको आपने एक छोटे से जुमले में बयान कर दिया तो उसको बोलते हैं जरबुल मसल बोलते हैं मसल और मुहावरे में फ़र्क ये है जरबुल मसल मुकम्मल होता है लेकिन क्या जुमले का हिस्सा होता है समझिएगा बात मसल मुकम्मल होता है और ये जुमले का हिस्सा होता है मसल का इस्तेमाल आजादाना हो सकता है लेकिन मुहावरे का इस्तेमाल आज़ादाना नहीं हो सकता अब आप कहिएगा मुहावरा क्या मुहावरा भी एक तरह तो का फकर ही होता है उसके आखिर में नून अली जवर ना लगा होता है मुहावरा का इस्तेमाल आप अकेला नहीं कर सकते ये जैसे नौ दो ग्यारह होना तो सिर्फ नौ दो ग्यारह होना नहीं बोल सकते उसके साथ जब भी आप बोलेंगे तो जैद नौ दो ग्यारह हो गया वो तो मुझे देखते ही नौ दो ग्यारह हो गया इस तरह बोलेंगे यानी किसी ना किसी जुमला के अंदर आप उसका इस्तेमाल करेंगे किसका मुहावरा का लेकिन जरबुल मसल जो है वो आप अकेला उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बात आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं जरबुल मसल और मुहावरा में फर्क ये है मुहावरा बोलते हैं जिसके आखिर में नून लिख पर ना लगा हो जैसे नौ दो ग्यारह होना चटपट होना आसमान पर सर होना तो ये सब क्या है आपके मुहावरा है और जरबुल मसल बोलते हैं कहावत को कोई लंबी चौड़ी कहानी है उसको एक छोटे से जुमला में अगर आप पेश करते हैं तो उसको बोलते हैं जरबुल मसल बोलते हैं दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि जरबुल मसल अकेला इस्तेमाल होता है लेकिन मुहावरा अकेला इस्तेमाल नहीं होता है ठीक है अब हम कुछ मसल देखेंगे देखिए इसको आप सुनेंगे तभी आपको याद होने वाला है कि इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि मसल का मतलब क्या है आपको पूछा जाता है कि इसका माने क्या होगा ये आपको बहुत जरूरी है जानना ने? तो ध्यान दीजिएगा एक अनार सौ बीमार एक ये साथियों देखिए नून अलिफ जबर ना जो है ना वो मसल में नहीं होगा ये मुहावरा में होता है एक अनार सौ बीमार एक चीज के बहुत से ख्वाहिशमंद अब कोई एक ही चीज है उसके बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं तो वहां पर बोलते हैं कि एक अनार सौ बीमार है एक अंडा वो भी गंडा एक अंडा वो भी गंडा एक बेटा वो भी नालायक इसके लिए इस्तेमाल होता है एक अंडा वो भी गंडा जिसने शर्म की उसके फूटे करम, ये आपका एक जरबुल मसल है जिसने शर्म की उसके फूटे करम, गैरतमंद और तकल्लुफ़ वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं क्या रहते हैं गैरतमंद और तकल्लुफ वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं एक चना आड़ नहीं फोड़ता हाड़ नहीं फोड़ता एक आदमी बहुत से लोगों का नुकसान नहीं कर सकता का मतलब ये होता है अहमद की पगड़ी महमूद के सर इसका माना होता है किसी की गलती किसी के सर थोपना एक बार जो है ना आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जी सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं और ये क्या करें प्लीज क्लास फास्ट पढ़ाइए अच्छा ये क्लास जो है ना जिस साउंड जिस तरह पढ़ाता हूं वो उसी तरह मैं पढ़ाऊंगा इसको फास्ट कैसे कर दू चलिए ऊंट के मुंह में जीरा क्या साथियों ऊंट के मुंह में जीरा ज्यादा खाने वाले को थोड़ी सी चीज देना कोई बहुत ज्यादा खा रहा है उसको आप थोड़ी सी चीज दे रहे हैं साथियों किसी को आपने एक बिस्किट दे दिया तो वो क्या होगा उससे पेट उसका भरेगा नहीं भरेगा तो वहां पे बोलेंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा से क्या होगा अपना दही खट्टा कौन कहता अपना दही खट्टा कौन कहता अपनी चीज को कोई बुरा नहीं कहता अपने आप को कोई बुरा कहता है अपने कोई सामान को अपने कोई प्रोडक्ट को कोई बुरा कहता है साथियों तो वहां पे बोलते हैं अपनी अपना दही कौन खट्टा कहता अल्लाह ने मिलाई जोड़ी एक अंधा और एक कोढ़ी दोनों ऐबदार दोनों एक ही जैसे बदमाश यानी अगर दो आदमी हैं और दोनों के दोनों जो है ना वो एक ही जैसे हैं जी मान लीजिए कि बाप बेटा दोनों एक ही जैसा है या भाई बहन दोनों एक ही जैसी जैसे है तो वो क्या होगा वहां पे बोलेंगे या मियाँ बीवी दोनों एक ही जैसी है तो वहां पर साथियों अल्लाह ने मिलाई जोड़ी एक अंधा और एक कोढ़ी यानी एक तो पहले से था ही बदमाश दूसरा भी वैसा ही है जी आम के आम गुठलियों के दाम ये आपका जरूर मसल है आम के आम गुठलियों के दाम किसी काम में दोहरा फायदा होना कोई काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपको डबल फायदा अगर हो गया उसको बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम आप डाल डाल तो मैं पात पात आप डाल 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 का मतलब होता है टहनी पात का मतलब होता है पत्ता तो आप डाल डाल तो मैं पात पात मैं तुमसे बहुत ज्यादा होशमंद और चालाक हूं यानी किसी काम में आप चालाकी कर रहे हैं तो अगला जो है वो उस आप से भी ज़्यादा चालाक हो ये, आटे के साथ घुन भी पिस गया इसका मतलब होता है जब बड़े के साथ छोटे के भी नुकसान उठाना पड़े उसके बाद अंधेरे घर का उजाला चलौता तो बेटा जिसकी जात से घर की रौनक हो आसमान से गिरा खजूर में अटका डीएलएड वाले लगभग मैंने देखा है ये वाला जो है जरबुल मसल आपको दो साल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में आसमान से गिरा कुछ में अटका एक मुसीबत से निकलकर दूसरे मुसीबत में पड़ना इसी को बोलते हैं आसमान से गिरा खुजूर में अटका आधा तीतर आधा बटेर बेढंगा काम यानी कोई काम इधर उधर पड़ा हुआ है उसी पर बोलते हैं ये ऊंची दुकान फीका पकवान ऊंची दुकान फीका पकवान सिर्फ नाम का होना किसी काम का नहीं होना ये सिर्फ आपकी शोरत ही शोरत हो बाकी असलियत कुछ नहीं हो तो वहाँ पर बोलते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान बंदर के हाथ में नारियल ना कदर अच्छी चीज़ की कदर क्या जाने मतलब कोई जो है ना वो आपकी कदर न कर रहा हो आ, और वहाँ पर जो है ना आप खड़े हों या तो फिर कोई साथियों जिसको पता ही नहीं हो जौहर यानी सोने चांदी की साथियों कीमत कौन बता सकता उसकी अहमियत कौन जानता है जौहरी जानता है लेकिन वही कोई एक मामूली से आदमी को दे दिया जाए तो उसकी अहमियत को क्या जाने कोई बंदर के हाथ में नारियल बाद मुहर्रम या हुसैन बाद मुहर्रम या हुसैन मौका गुजर जाने पर उसकी याद करना मतलब है कि जब अभी पढ़ाई का टाइम है तो आप पढ़ाई ना करें और बाद में आप खूब मेहनत करें जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो साथियों उसके बाद क्या होने वाला है फ़ायदा तो होगा लेकिन है कि आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे कि आपका तो वक्त गुजर गया है बे वक्त की शहनाई बे मौका काम कोई काम आप बेमौका कर रहे हैं वहां पे बोलते हैं कि यह बेवक्त की शहनाई है जो करे सो भरे जो बुरा करता है वही सजा पाता है इसका माना क्या होता है जो करे सोभरे जो तो बुरा करता है वही सजा पाता है चट मंगनी पट बिया किसी काम का जल्दी हो जाना कोई काम अभी आप सोचते हैं कि कब होगा कब होगा बस फटाफट जल्दी जल्दी से साथियों हो गया बहुत जल्द हो गया तो उसको बोलते हैं चट मंगनी पट दिया ठीक है उसके बाद आगे है खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है आदमी को देखकर आदमी ढंग इख्तियार करता है ठीक है आप जैसे माहौल में रहेंगे आप वैसे साथियों खुद खुद हो जाएंगे अगर आप किसी अच्छे माहौल में हैं जहाँ पर सब एक दूसरे की क़दर करते हैं तो आप कितनों भी के हैं आप भी दूसरे की कदर करेंगे लेकिन आप एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ पर लोग लोगों की कदर नहीं करते किसी को बुरे आ, बड़े और छोटे की तमीज़ नहीं है लोग तो गाली गलौज करते हैं आप कितनों अच्छे होंगे एक साल दो साल के बाद आपके अंदर भी वो आदत आ ही जाएगी तो पता ये चला कि खरबूजा को देखकर खरबूरा खरबूजा रंग पकड़ता है मतलब है कि आदमी को देख कर आदमी ढंग इख्तियार करता है डूबते को तिनका का सहारा मुसीबत में थोड़ी सी मदद भी काफ़ी है ए माले मुफ्त दिले बेरहमन, दिले बेरहम। दूसरे की चीज़ बगैर सोचे समझे खर्च कर देना मतलब आप अपनी चीज़ को तो बहुत ढंग से कदर कदर करते हैं बहुत अच्छे ढंग से खर्च करते हैं आप सोचते हैं कि बर्बाद ना जाए लेकिन दूसरे की चीज़ को क्या करते हैं जैसे मन हो वैसे आप खर्च कर लेते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान बगैर बुलाए किसी की दावत या महफिल में शरीक होना अंधेर नगरी चौपट राजा जी ये तो बहुत फेमस है ना अंधेर नगरी चौपट राजा के अंधेर नगरी चौपट राजा जहां हाकिम की पेपरवाही से अफरा तफरी मची हुई हो जहां हाकिम की पेपरवाही से अफरा तफरी मची हुई हो इसकी मिसाल तो आपको प्रजेंट टाइम में करंट टाइम में मिली जाएगी अंधेर नगरी चौपट राजा का क्या मतलब होता है चोर की दाढ़ी में तिनका चोर की दाढ़ी में तिनका अपनी हरकत से पहचाना जाता है ताल में कुछ काला है कोई राज है कोई सबब है कोई मुश्तबा अमर है उसके बाद आगे है कि शोरबा हलाल उठी हराम, ये भी साथियों आपका क्या है जरबुलमसल है शोरबा हलाल उठी हराम उस मौका पर बोलते हैं जब कोई शख्स किसी हराम चीज़ का एक हिस्सा खाने के लिए क्या करें खाने का ज़बरदस्ती लवास पैदा कर ले और बाकी तू ही छोड़ दे मतलब यह है कि तो वो चाहता नहीं कि हम इसको खाएं लेकिन कोई चीज़ ऐसा हो कि तो जिसको वो हराम चीज़ तो है कुछ हिस्सा खाने के लिए वो तैयार हो जाए तो वहाँ पर बोलते हैं शोरबा तो हलाल है रूटी हराम है मान लीजिए कि साथियों आपने एक मुर्गी चोरी की और मुर्गी आपने बना दिया उसके बाद आपके घर में एक बहुत नेक थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये मुर्गी का तो गोश्त क्या है हराम हम इसको नहीं खाएंगे हम इसका क्या करते सिर्फ शोरबा खाएंगे शोरबा कैसे हलाल हो जाएगा जब गोश्त हराम है तो सबका सब हराम हो जाएगा ना वही है साथियों उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो खुद गलती पर गलती पर हो मगर दूसरों पर रुआब जमाए कि रुपए को रुपए कमाता है रुपया खर्च करने से और रुपया वसूल होता है अब पछतावे होवत क्या जब चिड़िया चुक गई खेत बहुत ही अच्छा ये जरबुल मसल है वक्त गुजरने के बाद अफसोस करना बेकार है कहे सो मारा जाए, झूठ कहे सो लड्डू खाए ये कहे तो मारा जाए झूठ कहे सो लड्डू खाए सच कहने वाले को मुसीबत का सामना करना पड़ता है और साथियो आगे है कि क्या और झूठा मज़े उड़ाता है अब देखते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसको साथियों बहुत कठिनाइयों का रास्ते से गुजरना पड़ता है बहुत सारी मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है कई जो झूठा है वो खूब मज़ा उड़ाता है तो ये था साथियों ज़रबुलमसल जो कि इकतीस टोटल जरबुल मसल हमने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया इससे भी बहुत ज़्यादा है इसकी तादाद तो बहुत ही ज्यादा है जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना आसानी होता चला जाएगा ये सब प्रैक्टिस की है ये ठीक है अब हम आगे चलते हैं मुहावरा का बयान मुहावरा किसे बोलते हैं इसको हम लोग देखते हैं मुहावरा का बयान मुहावरा लफ्जों के उस मजमुआ को कहते हैं जो फेल से मिलकर बने और अपने लोगवी माना के बजाय मजाजी माना में मुस्तमल हो देखिए लोकवी माना मजाजी माना ये क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए लोकवी माना का मतलब हुआ कि असली माना जैसे हम अगर लिखते हैं लफ्ज़ शेर तो शेर का असली माना है जंगली जानवर है ना? और लेकिन हम शेर बोलकर जंगली जानवर नहीं बल्कि इंसान मुरादले तो ये जो इंसान है ये एक मजाजी माना है क्या है एक मजाजी माना और मजाजी माना को ही पसफी माना भी बोला जाता है तो मुहावरा बोलते हैं लफ्ज़ों के उस मजमु को कहते हैं जो तो फेल से मिलकर बने और अपने लगवी माना के बजाय मजाजी माना में मुस्तमल हो मुरा में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती ये बात भी आप याद रखिएगा मुहावरा के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती है भाई साहब ये टेंथ क्लास के लिए भी है इसको पढ़ लीजिए ठीक है ना ठीक अब हम लोग देखते हैं मुहावरा और उसका फिर माना देखेंगे और फिर उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो तो हम आपको बताएँगे लेकिन आप अपने ढंग से भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे एक लफ्ज़ है एक मुहावरा है एक बात याद रखिएगा कि मुहावरा के आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा होता है आमतौर पे ठीक है अपना उल्लू सीधा करना देख रहे हैं नून अलिफ ज़बर ना है अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब होता है अपना मतलब पूरा करना या अपना मतलब निकालना तुम हर जगह अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हो उसके बाद अब तब होना अब तब होना मरने के करीब होना पढ़ जी पढ़े में अब तब हो रहे हैं यहां पे है पढ़े मियां क्या होगा बड़े मियाँ अब तब हो रहे हैं उसके बाद है आग बगुला होना गुस्सा होना साजिद बात बात पर आग बगुला हो जाता है आस्तीन का सांप होना आस्तीन का सांप होना छुपा दुश्मन वो आस्तीन का सांप निकला कोई आपका बहुत करीबी है आप उसको पहचान नहीं पाए लेकिन कुछ दिन के बाद वो तो साथियों को पता चला वो तो मेरा करीबी नहीं बल्कि अंदर अंदर मेरी ऐब की बातों को मेरे जो अंदर जो बातें हैं राज की बातें हैं उसको वो क्या कर रहा है पब्लिश कर रहा है उसको वो लोगों के सामने उजागर कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि ये मेरा आस्तीन का सांप है आग भड़काना फसाद बढ़, बढ़ाना आग भड़काना एक आदमी का काम नहीं है आसमान से बातें करना बहुत मगरूर होना इन दिनों वो आसमान से बातें करने का है कोई आदमी होता है उसके पास साथियों अगर पैसा हो गया कोई नया दौलत हो गया तो वो बहुत क्या होता है घमंड में चूर रहता है उसी को बोलते हैं आसमान से बातें करना एड़िया रगड़ना बे इंतहा कोशिश करना मुलाजमत के लिए वो एडिया रगड़ रहा है कितने लोग होते हैं कितनी मेहनत करते हैं किस का बे इंतहा मेहनत करते हैं वहां पर बोला जाता है कि क्या एड़ियाँ रगड़ना आंख चुराना नज़र बचाना आंख चुराना का मतलब होता है नजर बचाना अब वो शर्म से आंखें चुराता है उसके बाद है आँख मारना इशारा करना आंख मारते ही वो इशारा समझ गया अब तो जानते हैं कि आंख मारने का मतलब क्या होता है उसके बाद आगे है आंख मिलाना आंख मिलाना का मतलब होता है मुकाबिल होना काम चोर बहुत मुश्किल से आंख मिलाते हैं आंख का पानी ढलना बेहया होना बुराई करते करते उसकी आंख का पानी ढल गया अब देखते हैं साथियों कोई नशा करता है कोई किसी बुराई में मुलविस है तो अगर के कोई बड़े या बुजुर्ग उसके बगल से गुजरते हैं तो वो इस तरह हो जाता है लगता है उन्होंने देखा नहीं हालांकि वो तो देखते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं नजरअंदाज करते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरता तो वही होता है आँख का पानी ढल आँख दिखाना गुस्सा होना वो मुझको आंख दिखाता है इसका क्या इस्तेमाल होगा वो मुझको आंख दिखाता है उसके बाद आंखें भर आना अश्क बार होना यानी आंख में आंसू आ जाना उसी को बोलते हैं आंखें भर आना जुदाई के वक्त आंखें भर आती है उसके बाद है आंखों का तारा होना आंखों का तारा होना इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना बच्चा माँ की आंखों का तारा होता है तब ने बच माँ कहती है ये मेरा दिल का टुकड़ा है ये मेरी जान है ये सब जो लफ्ज बोलती है माँ क्यों बोलती है प्यार की वजह से आंखें ठंडी होना ख्वाहिश पूरी होना चलो अब तो मेरी आंखें ठंडी हो गई उसके बाद है आब आब होना आब आब होना आब के माने होता है पानी यानी पानी पानी होना शर्मिंदा होना साजिद शर्म से आब आब हो गया बाग बाग होना बाग बाग होने का मतलब होता है बहुत खुश होना आपसे मिलकर मैं बागबाग बाग हो गया आपसे मिलकर मैं बागबाग हो गया उसके बाद आगे है साथियों आपका पेट पर पत्थर बांधना पेट पर पत्थर बांधना पाका कशी करना उसने पेट पर पत्थर बांध कर ये काम अंजाम दिया देखते हैं बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिसको खुद तो साथियों नहीं है पैसा जो तो गरीबी में गुजर रहे हैं जिनकी जिंदगी गुजरती है लेकिन वो मेहनत और मजदूरी करके वो अपने लड़के को पढ़ाते हैं बहुत कठिनाइयों से उनका घर गुजर चलता है लेकिन वो पेट पर पत्थर बांध कर क्या करते हैं अपने लड़के को पढ़ाते हैं जान पर खेलना जान की बाजी लगाना अपने हक के लिए वो जान पर खेल गया उसके बाद है खाक में मिलाना खाक में मिलाना का मतलब होता तबाह बर्बाद करना साजिद ने अकरम को खाक में मिला दिया सीने पर सांप लोट लौटना अदावत करना असद जलन लूटे हैं सांप सीने पर अमीर उसके बाद है कुल्हाड़ी मारना अपना नुकसान करना तुम इम्तिहान की अच्छी तैयारी न करके अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम ये ठीक है तो ये आपका क्या हुआ साथियों? कुल्हाड़ी मारने का मतलब हो गया तो हमने ये जाना कि जरबुल मसल और मुहावरा में क्या फर्क है और जरबुल मसल किसको बोलते हैं मुहावरा किसको बोलते हैं तरबुल मसल अपने आप में एक मुकम्मल जुमला होता है आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जो मुहावरा होता है वो एक मुकम्मल जुमला नहीं होता वो किसी एक जुमले का पार्ट होता है मुहावरा के आखिर में नून ज़बर ना होता है और मुहावरा फेल से बनता है साथियों तो ये आपका इस टॉपिक को आज कंप्लीट मैंने किया और आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा अगर आप में से कोई भी उर्दू ग्रामर जो बिल्कुल कंप्लीट करना चाहते हैं इसका मुकम्मल नोट्स आपको चाहिए आप हमारे इस नंबर पे या फिर इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं इसका मुकम्मल पीडीएफ आप ले सकते हैं यूपी टीजीटी का एक स्पेशल क्लास साथियों आने वाला है जो लोग उर्दू से तैयारी करना चाहते हैं यू पी के लिए जुड़ जाइए ताकि आपका जो स्पेशल क्लास बिल्कुल शुरुआत से क्लास आएगा वो क्लास आपको मिल जाए सी का जो क्लास है वो आज शाम से इन चालू हो जाएगा बाकी साथियों आज मानू बीएड वालों का टेस्ट भी है ओ एम आर शीट पर शाम में के आठ बजे से नौ बजे के बीच इसलिए आप टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए शामिल होइए और डी ट्रिपल एस बी वाले का भी साथियों बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है तैयारी में आप लगे रहें और आपकी तैयारी अच्छी रहेगी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा और आपको चार चांद लग जाएगा किसी को कुछ पूछना है टेंथ क्लास अभी आप उर्दू ग्रामर पढ़िए टेंथ क्लास वाले का स्पेशल जो बैच है वो टाइम है लेकिन अभी आप उर्दू ग्रामर पढ़े इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है ये उर्दू ग्रामर सब के लिए है यहां पे लिखा हुआ है उर्दू ग्रामर ऑल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है ना ऑल एग्जाम में टेंथ भी आता है ट्वेल्थ भी आता है ये भी आता है कि ये सबके लिए है कि किसी को और कुछ पूछना है कहा से देखिए दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको आप ऐसे याद रखिएगा मोटी 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 तौर पर कि आमतौर पर आपको वो सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई ये पूछे साथियों जब आपको कभी फेल के बारे में पूछ लिया जाए फेल के बारे में तो फेल को जब आपको बात पूछा जाए आप क्या करेंगे आखिर में देखेंगे क्या करेंगे आखिर में देखेंगे क्या करेंगे आखिर में देखेंगे ठीक है और अगर जब आपको क्या पूछ लिया जाए साथियों कि फेल नहीं बल्कि सेगा पूछ लिया जाए आप क्या करेंगे शुरू में देखेंगे क्या करेंगे शुरू में देखेंगे शुरू में देखेंगे कैसे अगर ये पूछा जाए क्या पूछा जाए वह वह खेलता है वह खेलता है अब आपसे पूछा गया कि कौन सा फेल है तो अब आप क्या बोलिएगा इसको लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में क्या है ताहे लगा हुआ है क्या है ताहे लगा हुआ है हम कह देंगे कि जिस फेल के आखिर में ता है की है ते है लगा है वो फेल होता है क्या आपका पेले हाल क्या होता है पेले हाल क्या होता है पेले हाल तो वह खेलता है कौन सा फेल हो जाएगा आपका पेले हाल हो जाएगा और अगर यही आपको पूछा जाता कि कौन सा सेगा है क्या पूछा जाता कौन सा सेगा है उस सूरत में आप शुरू में देखते शुरू में क्या लगा हुआ है वह लगा हुआ है वह किसके लिए इस्तेमाल होता है तो गायब है गोया के गायब का सेगा है अब गायब में भी दो सेगा होता है वाहिद गायब जमा गायब तो उस सूरत में हम गौर करेंगे कि वह वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ है या फिर जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है हम जानते हैं कि वह जो है वह सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए हम बोलेंगे कि वाहिद गायब का सेगा किसका सेगा है वाहिद गायब का सेगा है इसी तरह हम साथियों अगर ये बोलते हैं आप क्या आप आप कहाँ जा रहे हो आप कहाँ जा रहे हो तो अब देखिए इसमें क्या है अगर कोई ये पूछे कि ये कौन सा सेगा है कौन सा सेगा है सूरत में हम सेगा के लिए शुरू में गौर करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं आप और आप प्या, जी अपने से बड़े को कहा जाता है अदब में कहा जाता है ये तो हाजिर का सेगा हुआ अब गौर करेंगे कि जमा में है या वाहिद में है तो आप एक ही आदमी को कहा जाता है आप लोग बोलते तब ज्यादा होता है एक से ज्यादा कि क्या हमारा हो जाएगा वाहिद हाजिर का और जैसे साथियों मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं अगर यह लफ्ज में बोलता हूं और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा फेल है क्या है कौन सा फेल है बताइएगा फेल बताइए और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा सेगा है मैं पढ़ा रहा हूं जी जी चलिए बताइए आप लोग मैं पढ़ा रहा हूं कौन सा फेल है फिर बताना है आपको सेगा बताना है फेल देखिए अब यहां पर आपका क्या है रहा हूँ तो रहा है रही है रहे हैं लगा हो तो ऐसे फेल को फेले हाल बोलते हैं और फेले हाल में भी दो किस्में हैं फेल की एक होता है फेले हाल जारी इसको हम लोग बोलेंगे फेले हाल जारी है और आपसे पूछा जाए कौन सा सेगा है तो सेगा के लिए शुरू में गौर कीजिए यहाँ पे देख रहे हैं मैं मैं अपने लिए, लिए, लिए बोलता है साथियों मतकलम के लिए ये आपका मतक्लम का सेगा है कौन सा सेगा है मतक्ल्लम का है लेकिन ये वाहिद है या जमा है तो गौर करेंगे कि मैं ये वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ है हम लोग बोलेंगे कि वाहिद मतक्ल्लम का सेगा है किसका सेगा है वाहिद मतक्ल्लम का सेगा है उसके बाद हमने ये जाना था कि फेल माजी के बारे में किसके बारे में हमने जाना था फेल माजी के बारे में कि फेल माजी की जो है ना टोटल छः किस्में कितनी किस्में हैं छः इसमें कौन कौन सी तो एक नंबर में हमने यह जाना था कि फेल माजी मुतलक और कीजिएगा दूसरे नंबर में हमने यह जाना था फेल माजी करीब क्या साथियों फेल माजी करीब तीसरे नंबर में आया था फेल माजी बीद क्या फेल माजी बीद उसके बाद हमने ये जाना चौथे नंबर में फेल माजी क्या फेल माजी स्थिम्रारी इस्तिम्रारी को बोलते हैं फेलमाजी के तवामी क्या फेलमाजी तवामी ठीक है ना या फिर हम लोग इसको बोलते हैं फेलमाजी ना तमाम भी बोला जाता है उसके बाद जो पांचवी किस्म है वो आपका है फेलमाजी एहतमाली क्या है फेलमाजी एहतमाली क्या इसे हम लोग बोलते हैं फेलमाजी शकिया और जो छठी किस्म है उसे बोला जाता है फेल माजी तमन्नाई क्या फेल माजी तमन्नाई या फिर इसे हम लोग बोलते हैं फेल माजी शर्तिया ये छः किस्में हैं आपकी फेल की फेल माजी की इसको बनाने का बहुत सिंपल कायदा है कि जैसे हम लोग ये साथियों पहला जो बनता है जैसे हम बोलें किया करना से या उसने किया या वह किया कि आपका हो गया फेल माजी मतलब अगर हम इसके आखिर में क्या के आखिर में क्या लगा देंगे है लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माजी करीब तो हमारा जब हम माजी करीब के लिए बनाएंगे इसी को तो हमारा हो जाएगा क्या है ठीक है और अगर हम इसके आखिर में साथियों क्या लगा देते हैं था लगा देते हैं क्या था तो हमारा हो जाएगा माजी बड़ीद तो अगर हम ये बोलते हैं क्या था कि माजी बड़ीद हो जाएगा माजी इस्तिमरारी के लिए है करना आपका मजदर है ज़बर नाक को हटा दीजिए और आखिर में ताथा लगा दीजिए तो हमारा हो जाएगा करता था क्या हो जाएगा करता था यह आपका माजी इस्तेमरारी हो गया माजी एहतमाली या माजी शक्किया के लिए है कि माजी मुतलक के आखिर में आप होगा लगा दीजिए तो हो जाएगा हो क्या होगा हो क्या होगा क्या होगा यह आपका माजी एहतमाली हो जाएगा माजी एहतमाली या माजी शक्िया हो जाएगा और माजी तमन्नाई के लिए है कि मसदर की अलामत नूलिस ना को हदफ करके आखिर में सिर्फ ता लगा दीजिए तो कर और आखिर में लगा दीजिए ता करता ये आपका माजी तमन्नाई या फिर माजी शर्तिया हो जाएगा साथियों ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई किसी को कोई दिक्कत है बताइएगा आप लोग ठीक है एक बार आप लोग बताएं समझ में सभी लोगों को आ गई ये सब चीज़ें समझ में आ गई ये। और देखिए एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जब तक आप अपने प्रति जागरूक नहीं होइएगा आप पढ़ाई के प्रति खुद अपने आप से पूछिए कि आप कितने ईमानदार हैं आप कितने अपने आप को दे रहे हैं तब तक आपको ये चीज़ें आने वाली नहीं है आप अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दीजिए तब साथियों ये पढ़ाई जो है ना आपको अपना दस परसेंट देगा और आप अगर ये चाहेंगे हम खेलते रहें ऐसे ही हंसते रहें ऐसे ही घूमते रहें और हमें पूरा का पूरा मिल जाए तब तो फिर बहुत मुश्किल बाकी देखिए आपको कवायद के अंदर इन हम आपको ये श्योर करते हैं कवायद के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो खेल में हम आसान भाषा में आपको सिखा देंगे और इसी तरह इनके अकसाम जो है वो भी आपको याद हो जाएगा इसमें मारफा की किस्में ज़मीर की इसमें नकरा की किस्में और अलम की किस्में सब सब हम आपको बता देंगे फेल की किस्में तो तमाम चीज़ें आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएंगी बाकी साथियों जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम इस शेर के साथ जुदा होता हूँ नकर तकदीर का शिकवादर आजमाता जा देगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा शुक्रिया खुदा हाफिज